नमस्कार दोस्तों, मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर मैं कृष्ण मलिक सभी पशुपालक भाइयों का HLDV के एक और ब्लॉग के रिजल्ट की वीडियो के साथ बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो में जो मैं पशुपालक भाइयों के साथ जो रिजल्ट शेयर करने वाला हूं वो HLDV के धुरंधर M466 के रिजल्ट हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये रिजल्ट हमारे पास एक सुरजीत भाई साहब हैं दिल्ली में, जो छोटा सा अपनी भैंसों का डेयरी फार्म चला रहे हैं दिल्ली के एक गाँव में। तो वहाँ से उन्होंने हमारे साथ ये वीडियो शेयर किया और उनके पास किस तरीके के रिजल्ट आए हैं वीडियो में आप देख लें। तो जो इनका एड्रेस मैंने आपको दे दिया है, दिल्ली के अंदर है, नाम है इनका सुरजीत मलिक, जिनका छोटा सा डेयरी फार्म है। और इनका व्हाट्सएप नंबर है 95532 57238। तो जो भाई दिल्ली के आसपास के हैं वहाँ जाकर अगर कोई भैंस भी आपको लेनी तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो इन्होंने हमारे साथ रिजल्ट शेयर किया है वो पूरी वीडियो डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, साथ के साथ जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो पहले आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देख लें। भाई मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली 11039, दिल्ली 39 बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वैसे गांव नांगल ठाकरान। और ये जो नहल आ रहा है ये HLD बोल 466 का बेटा है। ये भाई बिल्कुल ब्लैक जेड पूछ में है, बिल्कुल ब्लैक है ये। और अब इसकी माँ की दिखाते हैं आपको वीडियो, जो कि 17 kg दूध इस बार उसने दिया था। हमारे यहाँ कोई वो तो नहीं है जो HLD में पास करवा दें, दिल्ली में ये सुविधा नहीं है। और ये इसकी माँ है भाई साहब। इसका पूरा इसका थनों का गैप देखो कितना अच्छा है भाई। और ये सींग भी, और ये देखो कितना अच्छा है। इसकी माँ की पूछ ब्लैक जेड है बिल्कुल। तो देख सकते हैं बिल्कुल जेड ब्लैक जो मेल काफ आपको दिखाई दे रहा है। HLDV के M466 बुल का टेस्टिकल बहुत अच्छा निकाला हुआ है और मदर साइड से 17 किलो जो है दूध अब की बार इसकी भैंस ने निकाला है। साथ के साथ आपने जो इसकी मदर साइड भी देख ली कि काफ कैसा है। तो जो इन्होंने अपना एड्रेस दिया है, तो जो पशुपालक भाई इनके आसपास के गाँव से हैं या जो दिल्ली जो ने नांगल ठाकर अपना गाँव बताया वहाँ जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। छोटा सा डेयरी फार्म चला रहे हैं तो भाई को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ब्रीडिंग पर काम करते रहें तो आपको और भी अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे अच्छे बुलों का सीमन यूज़ करें तो और आप ऐसे ही जो है ब्रीडिंग करते रहें। तो पशुपालक भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, काफ आपको कैसा लगा। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें।